गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ किसके ऊपर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल एंड द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फॉर ऑल जेके एस एस बी एंड जेके पी एस सी एग्ज़ाम। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जेके एस एस बी के लिए और जेके पी एस सी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस पर 50 MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे। होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हम अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो आपके लिए लाई जाएँ। करंट अफेयर्स की भी ला रहे हैं हम, और उसके अलावा जो हमने क्या है कि कोऑपरेटिव्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दी हुई है, और जो टॉपिक्स कोऑपरेटिव्स वाले हैं वो भी हमने उसमें एमसीक्यू सीरीज़ में उस प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाके ये चीज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी होगी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, कौन से पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है? ठीक है, कौन से पॉइंट को कहा जाता है? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, साउदर्न पॉइंट को। साउदर्न एक्सप्लेनेशन, इंदिरा पॉइंट वॉज फॉर्मली नोन एज पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, साउदर्न पॉइंट को जो है वो पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच पार्ट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री इज कॉल्ड द मैकमोहन लाइन। ठीक है, कौन से इंडिया और चाइना की कौन सी बाउंड्री है, इंडिया चाइना की कौन सी बाउंड्री का पार्ट है जिसको मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है? तो कौन सा पार्ट है वो? ये है ईस्टर्न पार्ट। देखिए, द इंडिया चाइना बाउंड्री रन अलोंग्स द हिमालयन रेंजेस, द लाइन इज नेम आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, और इसका जो नाम दिया गया था वो किसके नाम पे दिया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे ये नाम दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेन वॉज द बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फाइनलाइज। कब जो बाउंड्री थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो थी वो फाइनलाइज की गई थी, कब की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947। ऑन अगस्त 1947 द रेड क्लिफ लाइन वॉज पब्लिश एज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। और ये कब की गई थी? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ द कंट्री दैट हैज़ गिवन इट्स नेम टू एन ओशन। ठीक है, कौन सी एक कंट्री है जिसने हम जो ओशन को दिया गया है वो क्या है? वो है हमारी इंडिया। क्योंकि इंडिया का क्या है? इंडियन ओशन इज बाउंडेड बाय एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका, ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑन द साउथ बाय सदर्न ओशन। ठीक है, और इंडिया ही एक ऐसी मात्र कंट्री है जिसने अपना नाम जो है वो ओशन को दिया, जिसको हम इंडियन ओशन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, विच कंट्री हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका कॉमन बॉर्डर है इंडिया के साथ टू द नॉर्थ वेस्ट में? ठीक है, कौन सी कंट्री है वो? है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देख सकते हैं यहाँ पे, चाइना एंड नेपाल हैव अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया टू द नॉर्थ, बुर्मा म्यांमार टू द ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आते हैं वो दो ही हैं, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज द नियरेस्ट इंडियन नेबर अक्रॉस द सीज। अक्रॉस द सी, इंडिया का सबसे करीबी पड़ोसी देश कौन सा है? वो हमारा कौन सा है? श्रीलंका। द पल्क स्ट्रेट इज द स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। और कौन सी स्ट्रेट है? ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में भी पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है जो ये इंडिया और श्रीलंका को बीच आती है, वो है पल्क स्ट्रेट, जिसका नाम क्या है? पल्क स्ट्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गए हमारे। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज़ द लैंड ऑफ अ सीक्रेट कैलाश। ठीक है, विच इज़ द लैंड ऑफ द सीक्रेट कैलाश। ठीक है, सीक्रेट विच इज़ द लैंड, कौन से लैंड को लैंड ऑफ सीक्रेट कैलाश कहा जाता है? वो है हमारा तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द ओनली लार्ज लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द हिमालयस। कौन सा एक इकलौता जो है वो लार्ज लेवल लैंड ऑफ स्ट्रिप है जो कि हिमालय का, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर वैली, सबसे बड़ी। ठीक है, कश्मीर वैली बॉर्डर्स जम्मू रीजन टू द साउथ,
लद्दाख रीजन टू द ईस्ट एंड लाइन ऑफ कंट्रोल इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। ठीक है, अब कश्मीर वैली जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच रेंजेस फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ द सब हिमालयन जोन, विच रेंज फॉर्म्स द साउथर्न पार्ट ऑफ द सब हिमालयन जोन, कौन सी रेंज जो है वो साउथर्न पार्ट से ज्वाइन होती है सब हिमालयन जोन में, कौन सी है वो है शिवालिक रेंज, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टूवर्ड्स वेयर डज द वेस्टर्न वर्ड स्लोप ऑफ द पंजाब हरियाणा प्लेन्स गो, वेस्टर्न वर्ड स्लोप ऑफ द पंजाब हरियाणा प्लेन्स किस तरफ जाते हैं, जो वेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड एरिया है पंजाब और हरियाणा का, उधर से कहाँ स्लोप्स जो वो किस तरफ जाते हैं, वो हमारे इंडस की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो स्लोप जो है वो पूरा इंडस की तरफ जाता है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है वो कौन सी है, वो है हमारी द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। होप आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वीडियो ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर्स बॉन्ड बुंदेलखंड अपलैंड इन द नॉर्थ, कौन सा रिवर जो है वो जुड़ता है बुंदेलखंड के साथ इन द नॉर्थ रीजन, कौन सा रीजन है वो, कौन सा रिवर है वो है यमुना रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर्स बॉर्डर्स मेघालय मिकिर अपलैंड्स इन द ईस्ट, कौन सा रिवर है जो बॉर्डर बनता है कि इन दो रिवर्स के बीच में, कहाँ पे ईस्ट में, कौन सा रिवर है वो है धनसरी रिवर, कौन सा ऑप्शन नंबर सी धनसरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज शिलोंग पीक सिचुएटेड, शिलोंग पीक जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है वो मेघालय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेघालय, शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय, और मेघालय का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो शिलोंग पीक माना जाता है, मतलब है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, विच बेसिन इज आल्सो कॉल्ड छत्तीसगढ़ प्लेन, कौन से बेसिन को छत्तीसगढ़ प्लेन भी कहा जाता है, तो इसका क्या आंसर है, इसका है महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ प्लेन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द रियल वाटर शेड ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है, इनमें से किसको रियल वाटर शेड ऑफ द पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, वे कहा जाता है वेस्टर्न गार्ड्स को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख सकते हैं आप, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न गार्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है, वो है डोडा बेटा, नीलगिरी का सबसे ऊंचा कौन सा है, डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द ईस्टर्न गार्ड्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन, ठीक है, फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन, जो ईस्टर्न गार्ड हैं वो कौन सी बाउंड्री बनाते हैं ईस्टर्न रीजन में, कौन सी बनाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, कौन से पास जो मिडल ऑफ द कंट्री के बीच में से पास होता है, कौन सा ऐसा पास है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन नंबर सी द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ऑप्शन नंबर डी प्राइम मेरिडियन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फॉल होती हैं और कुल कितनी स्टेट्स हैं और उनका नाम क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत की सबसे ठंडी जगह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसके देखने पड़ेंगे हमको, ऑप्शन नंबर ए द्रास, ऑप्शन नंबर बी हेमकुंड, ऑप्शन सी कुफरी, ऑप्शन डी लाचेन। ठीक है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है द्रास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पल्क स्ट्रेट। कौन सी इंडियन स्टेट है जो श्रीलंका के साथ कनेक्ट होती है बाय मीन्स ऑफ पल्क स्ट्रेट। कौन सी स्टेट है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको याद हो, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी स्टेट जो कनेक्ट करती है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट शेयर इज इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन सी भारत की ऐसा राज्य है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और म्यांमार की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, फिर आप देखें कि वहाँ पर इंडियन की कौन कौन सी स्टेट्स, आपको मैप याद होना चाहिए वहाँ पर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जब ये याद हो जाएगा ना, उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट है जो इन दो के साथ बॉर्डर शेयर करती है। वो कौन सी स्टेट है, वो है हमारी त्रिपुरा, जो कि अपने वेस्ट में क्या बोलते हैं, हाँ, जो कि एक तरफ अपने बांग्लादेश शेयर करते हैं और दूसरी तरफ अपने म्यांमार शेयर करते हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से सेपरेट करती है। तो इसका क्या आंसर है, आपको पता होना चाहिए, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द अरावली, ऑप्शन नंबर बी द विद्यास, ऑप्शन नंबर सी द सतपुरा, ऑप्शन नंबर डी द सह्याद्री। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए अरावली कहाँ पे हैं, सिंध्यास कहाँ पे हैं, सतपुरा कहाँ पे हैं और सह्याद्री कहाँ पे हैं। तो इसका राइट आंसर है सतपुरा रेंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो है, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से सेपरेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन, जो चिलिका लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये है ओडिशा में। तो आप मुझे बताएं कि ये चिलिका लेक जो है वो ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे, द प्लेस ऑफ इंडिया विच डज नॉट हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज। भारत का ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हिमालयस। तो इसका आंसर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, अभी हम 25 पहुंचे हैं, आगे भी बहुत से क्वेश्चन जो हमको डिस्कस करने, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच आइलैंड। ये क्वेश्चन तो है, ये आपने कहीं एमसीक्यू सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सी आइलैंड पे अभी लोकेटेड है, कौन से आइलैंड पे अभी स्थित है, वो कौन सी जगह है, वो है बैरन आइलैंड पे। तो आपको पता होना चाहिए बैरन आइलैंड जो है ये भी अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। ठीक है, वहाँ भी ये स्थित है जहाँ पर अभी इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, द आउटर रेंज ऑफ विच माउंटेन इज नोन एज शिवालिक। आउटर रेंज ऑफ विच, और कौन से ऐसे माउंटेन की आउटर रेंज है जिसको हम शिवालिक कहते हैं। जैसे इसका ऑप्शन देख लीजिए, हिमालयाज आगे, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी पटकाई। ठीक है, तो इसका क्या आंसर, आपको पता ही है किसका पार्ट है शिवालिक, ये हिमालय रेंजेस का पार्ट है शिवालिक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। कौन सा ऐसा रिवर है जो भारत की, मतलब हमारे भारत के एरिया में, जिसका ओरिजिन नहीं है, जो भारत का जिसका ओरिजिन नहीं है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या सतलुज। तो ब्रह्मपुत्रा यहीं के, गंगा यहीं का है, सतलुज यहीं का, जो सॉरी महानदी यहीं का है, गंगा भी यहीं का है, सतलुज भी, लेकिन ब्रह्मपुत्र यहाँ का नहीं है, ब्रह्मपुत्र का रीजन भारत का नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट्स द इंडियन कोस्ट। कुल कितनी परसेंट के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हर बार पूरे दुनिया में जो घूमते हैं, तबाही करते हैं, उनमें इंडियन कोस्ट पे कितने परसेंट जो हैं वो तबाही कर पाते हैं। ठीक है, वो है 10%, जो उनमें किससे 10% जो होते हैं वो इंडियन कोस्ट पे तबाही करते हैं या इंडियन कोस्ट
उनसे अफेक्टेड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन बाय, द नॉर्दर्न प्लेन ने इंडिया के सेपरेट करते हैं पेनिनसुलर रीजन बाय, किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, विंध्या माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स या सह्याद्री माउंटेन्स। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्या माउंटेन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ओल्ड अलुवियल साइल इज नोन एज, जो ओल्ड अलुवियल साइल है उसे क्या कहा जाता है? उसे भांगड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। आगे 32, द लक्षद्वीप आर्कियोपेलिगो इज फॉर्म्ड ऑन, जो लक्षद्वीप आर्कियोपेलिगो है वो कहाँ पे बनता है? इज फॉर्म्ड ऑन बी अटोल। ठीक है, एंडिसाइट रॉक्स नहीं है, इग्निशियस रॉक नहीं है, मेटामॉर्फिक्स रॉक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अटोल। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, रेवेंस आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया, इन द रेवेंस जो इंडिया में भारत में पाए जाते हैं कौन सी जगह में पाए जाते हैं? ठीक है, अब इसका आंसर है पेरीफेरी ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ना नर्मदा रिवर वैली में, ना पेरीफेरी ऑफ द थार डेजर्ट, या ना ही शिवालिक में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेरीफेरी ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन हैज़ द लोवेस्ट एल्टीट्यूड, इनमें से कौन सा रीजन है जिसका लोवेस्ट एल्टीट्यूड है? तो आप देख सकते हैं रन ऑफ कच्छ, सुंदरबंस, कुटांत या धनुषकोटी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुटानंद। ठीक है, ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यंगेस्ट माउंटेन, इनमें से कौन सी माउंटेन है जो अभी की यंगेस्ट माउंटेन कही जाती हैं? देखिए, वेस्टर्न घाट, हिमालयंस, ईस्टर्न घाट या विध्यांश। तो इसका क्या आंसर है? इसका हमारी हिमालयन माउंटेन, जिनको यंगेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत जो है वो कौन से पार्ट पे स्थित है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के? तो वो नॉर्थन पार्ट पे स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नॉर्थन पार्ट पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इनमें से भारत का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट भी लोवेस्ट भी पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला इधर ऑप्शन दिया है लूनर क्रेटर लेक, चिलिका लेक, कुटानंद। तो थर्ड आ गया वुलर लेक। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुटानंद इज द राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 38, पटकाई माउंटेन्स रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, जो पटकाई माउंटेन रेंजेस हैं वो भारत के कौन सी जगह पे स्थित हैं, कौन से पार्ट पे स्थित हैं? ये भारत के ईस्टर्न पार्ट पे स्थित हैं पटकाई माउंटेन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेंसमिक जोन अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक जोनिंग मैप। आपको पता है कि जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसको मतलब डिफरेंट जोन्स को ना सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कि जहाँ पे ज़्यादा आता है या जहाँ पे कम आता है या जहाँ पे बहुत ही कम आता है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक जो आता रहता है उसी के बेसिस पे सिस्मिक जोन्स को डिवाइड किया गया होता है। तो भारत को कौन सी सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बीच कौन सी है? तो ये आपको पता ही है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मरीना बीच जो है वो भारत की सबसे बड़ी बीच कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 42, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया, ठीक है, भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? वो आपको पता ही है, राजस्थान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक्सेप्ट असम, रिवर ब्रह्मपुत्र पास थ्रू विच स्टेट इन इंडिया, असम को छोड़ के ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी स्टेट से होके गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए ये अरुणाचल प्रदेश से होके गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी, ना ही मणिपुर, ना ही वेस्ट बंगाल, ना ही त्रिपुरा, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से होके गुजरती है असम को छोड़ के। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, भारत में कुल कितने टाइप की जो मिट्टी है वो पाई जाती है? ठीक है, तो
तो कितने टाइप की पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 6 इज द राइट आंसर। आगे, विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर इज बाउंड्री विद सिक्किम। भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो बताइए, भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, ठीक है? वो है हमारी वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जो सिक्किम के साथ सिर्फ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है? फिर चिनाब इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच वन, ठीक है? चिनाब जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है? आपको पता ही है वो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, और चिनाब आपको सबको पता ही होगा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया भी माना जाता है, और वाटर लेवल भी सबसे ज़्यादा हाई जो है वो चिनाब में ही रहता है, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो बांध बनाए गए हैं वो भी चिनाब पे ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म अ गंगा रिवर, ठीक है? कौन सी जगह पे जो अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा रिवर बनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये देवप्रयाग है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग है। देखिए ये है देवप्रयाग, ठीक है? सबसे पहले जहाँ पे जाके गंगा नदी को गंगा नदी नाम मिलता है, हरिद्वार हमारा वहाँ पे गंगा नदी को पहले से नाम, ऋषिकेश वहाँ पे भी गंगा नदी को पहले से नाम मिल गया होता है, ठीक है? और रुद्रप्रयाग ये ट्रिब्यूटरी, ये वहाँ पे नदियाँ जुड़ती हैं लेकिन यहाँ ये नाम नहीं मिलता, नाम उसको जो गंगा नदी को नाम मिलता है वो देवप्रयाग में मिलता है, ठीक है? आगे, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन इंडिया? तो इधर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जो सॉइल्स हैं वो मोस्टली इंडिया में पाई जाती हैं, और इसका आंसर आपको सबको पता ही होना चाहिए, अलुवियल सॉइल जो है वो मोस्टली जो है वो इंडिया में पाई जाती है, ज़्यादातर यही सॉइल पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, इनमें से कौन सी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है? तो गोमती है, कोशी भी है, सोन भी है, लेकिन एक महानदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? आगे लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया? भारत का ऐसा कौन सा नदी है जो सबसे लंबी है और पूरे भारत में ही वो क्या बोलते हैं, पूरे भारत में वो घूमती है, ठीक है? और कौन सी है वो है महानदी जो पूरे भारत में ही घूमती है, ठीक है? गंगा भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, और ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, ठीक है? तो ये आंसर है, ठीक है? जहाँ पे मैंने शायद ऑप्शन में डालना भूल गया हूँ मैं, तो सॉरी, इसके लिए महानदी जो है वो राइट आंसर है इसका, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 MCQs जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो होप ये आप MCQs आप सबको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, जब भी हमारे चैनल पे आप विज़िट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। MCU जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई बात पूछनी है, या कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी देखेंगे, हम आपको पक्का रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कभी मत जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।